हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपिका, आज मैं आपको टेस्टी और स्पाइसी होममेड चिकन निहारी बनाने बता रही हूँ, जो कि दिल्ली का सबसे फेमस डिश है। आइए इसकी रेसिपी शेयर करें। चिकन निहारी बनाने के लिए मैंने 2 किलो चिकन लिया है। इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने छोड़ दिया है। और 1 चम्मच आप इसमें नमक डाल के इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। अब मैंने लिया है बड़ी इलायची, दालचीनी, हरी इलायची और लौंग, ये मसाला है। मैंने 1 नींबू का जूस निकाल लिया है और 2 किलो चिकन में करीबन मैंने 1.5 किलो प्याज डाला है। प्याज को आप इस तरह रफली चॉप कर लें, ये देखिए मैंने काट लिया है। और इसका मसाला मैं आपको बता दूँ, मैंने लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, जीरा को रोस्ट करके आप इसे पीस लें। अगर नहीं आपको आता है तो मैं बता दूंगी, पहले तवे पे जीरा रख के इसको हल्का सा रोस्ट कर लें और इसका डस्ट बना लें। ये लाल मिर्च पाउडर और अदरक का पेस्ट और फोरन के लिए मैंने रखा है हरी मिर्च। और साथ के साथ मैंने 4 टमाटर भी काट लिए हैं, जो रफली चॉप मैंने किया है, ये देखिए बिल्कुल लाल है, ये आप कर लें। अब चलें स्टार्ट करें बनाना। अब आप देख रहे हैं कि कुकर गर्म हो रखा है और इसमें निहारी चिकन में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है, ये मैंने ऑयल डाल दिया है थोड़ा। अब आप देख रहे हैं कि तेल गर्म हो रखा है, मैंने पहले तेजपात डाला है और 1 चम्मच खड़ा जीरा। अब मैं इसमें हरी मिर्च का फ़ोरन डाल रही हूँ, ये देखिए साथ के साथ मैंने गरम मसाला डाला है। गरम मसाला अगर खड़ा डालते हैं, जैसे दालचीनी मैंने डाला है, बड़ी इलायची डाली है, छोटी इलायची और लौंग, ये डालने से टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज सारा डाल रही हूँ, इस तरह आप सारा डाल दें। प्याज डालने के बाद ये भुना हुआ जीरा ये मैं डाल रही हूँ। जितना मसाला अपने आप ये करके रखे थे सब इसमें डाल दें, हल्दी, जीरा, लहसुन, अदरक और मिर्ची। और मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, ये देखिए, साथ में कटा हुआ टमाटर और नमक। नमक आप कम देना क्योंकि आप पहले भी नमक दे चुके हैं, मैं 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब आप इसे अच्छे तरीके से मिला लें, देखिए इस तरह आप मिला के। अब आप इसमें 1 ग्लास पानी डाल दें। अब पानी डालने के बाद इसका ढक्कन लगा के कम से कम 2 से 3 सीटी के लिए छोड़ दें। अब आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये मिल गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है, ये देखिए मैंने इसमें 3 सीटी के लिए छोड़ा था, 3 सीटी लगाने के लिए छोड़ा था। अब मैं इसमें चिकन डालूँ। चिकन को मैंने 20 मिनट पानी में छोड़ दिया था नमक डाल के। अब मैं इसमें 1-1 पीस करके डाल दूँ, सारा चिकन एक साथ इसमें डाल दें। अब आप देख रहे हैं कि चिकन को मैंने इसमें डाल दिया है। अब आप इसे बस भूंजना है आपको, बस इस तरह चलाते जाएं और फुल आंच पे आपको पकाना है, नहीं तो चिकन ये टूट जाएगा। इस तरह करके 2 से 3 मिनट के लिए मैं ढक के छोड़ूंगी। अब आप देख रहे हैं कि चिकन भी पानी छोड़ रहा है, ये देखिए। बस अब आपको भूनना है फुल आंच पे। आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैंने इसमें काफी छोटे छोटे टिप मैंने बताया है। अब मैं इसमें निहारी मसाला डालूंगी, चिकन निहारी। इसमें 4 बड़े चम्मच आप डाल दें, ये देखिए मैंने 4 चम्मच डाला है। डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से आप मिला लें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ, दिल्ली में ये फेमस है चिकन निहारी, ये देखिए। और साथ के साथ इसमें 1 लेमन जूस जाएगा, ये जो मैंने 1 नींबू का करके रखा है। अब आप इसे अच्छे तरीके से मिला लें।
अब आप देख रहे हैं कि मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, क्योंकि ऑयल देखिए कितना अच्छे तरीके से ऊपर आ रहा है और इसमें गरम मसाला का खुशबू बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसीलिए मैंने गरम मसाला पहले ही डाला था, खड़ा गरम मसाला आप भी पहले ही डालें। अब मैं इसमें कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता डालूंगी। धनिया पत्ता पहले थोड़ा सा डालने से होता है कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप गार्निश में भी डाल सकते हैं, लेकिन पहले इसमें थोड़ा डाल दीजिए। इसके साथ जो भुनाता है उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है। ये लगभग रेडी है, थोड़ा सा और ये भुनेगा। देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी रेडी हो रही है। अब आप देख रहे हैं कि गर्मा गर्म चिकन रेडी है। मैंने इसमें ग्रेवी नहीं डाला है, अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें डाल सकते हैं। इसको आप रोटी, नान, पराठा किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना टेस्टी और यमी दिख रहा है। अब आप देख रहे हैं कि गर्मा गर्म चिकन रेडी है। मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गार्निश करूँगी, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालूँगी और उसके साथ थोड़ा सा लेमन डालूंगी। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और यमी ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ज़रूर बताएं मुझे कि ये कमेंट बॉक्स में आके आपको ये कैसा लगा। दिल्ली का ये फेमस डिश है चिकन न्यारी।